सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल थिंक्स यूट्यूब चैनल वीडियोस ऑफ फ्रेंड्स में। आज आपको इस वीडियो में फ्रेंड्स ये बताने वाला हूँ कि आप अपने कॉन्टैक्ट को फ्यूचर के लिए कैसे सेव करें, कैसे सेव करके बाई चांस अगर आपका फ़ोन खो गया हो या आपकी सिम टूट गई हो, जो कॉन्टैक्ट है उसको आप फ्यूचर के लिए आप अपने SD कार्ड में सेव करके पहले ही रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। फ्रेंड्स सीधा आपको जाना है आपके अपने कॉन्टैक्ट में सेटिंग्स में जाना है। फ्रेंड्स सेटिंग्स में जाने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। फ्रेंड्स नीचे जाने के बाद फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखेगा सिस्टम ऐप्स, आपको सिस्टम ऐप्स पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स सिस्टम ऐप्स को क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको 6th नंबर पे आपको दिख जाएगा कॉन्टैक्ट्स। तो फ्रेंड्स आपको कॉन्टैक्ट्स को डायरेक्टली क्लिक करना है। तो आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर जाना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स को आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसमें दो ऑप्शन आते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज, एक्सपोर्ट टू स्टोरेज। फ्रेंड्स हमें बस एक्सपोर्ट टू स्टोरेज करना है। अभी इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज ये होता है अगर पहले आप एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट मतलब आप एक्सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स एक्सपोर्ट, तो वो आपको कॉन्टैक्ट आपके SD कार्ड में सेव हो जाएगा या इंटरनल में स्टोरेज में। तो आप पहले सेव कर लें। देखिए फ्रेंड्स आपका ये सेव होगा एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, योर कॉन्टैक्ट लिस्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फाइल MNT/SD card/0001VCE। तो ये आपको वहाँ पर जाके सेव हो जाएगा। तो हम ओके कर देते हैं फ्रेंड्स, ये सेव हो रहा है। और फ्रेंड्स इम्पोर्ट फ्रॉम स्टोरेज मतलब बताते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया तब आपको इम्पोर्ट फ्रॉम स्टोरेज से आप अपने कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी एक्सपोर्ट हो चुका है, अब हम ऊपर देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर एक्सपोर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम फाइल मैनेजर में जाकर देखते हैं कहाँ ये स्टोर हुआ है। हमें सीधा फाइल मैनेजर में जाना है, इसको ओपन करना है। और सो ओपन करके फ्रेंड्स ये इंटरनल स्टोरेज में शायद सेव हुआ होगा। हाँ फ्रेंड्स ये देख सकते हैं लास्ट 3rd में 0001VC ये यहाँ पे सेव हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम इसे कॉपी करके या कट कर लेते हैं। इसे कट करके फ्रेंड्स हम इसे SD कार्ड में सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये फ्यूचर के लिए आगे आपका सेव हो चुका है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स 0001 यहाँ पे ये सेव हो चुका है SD कार्ड में। तो अगर बाई चांस अगर आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम स्टोर से जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स चैनल को और लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।